फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंडीक्राफ्ट बाय मंजीत। आज मैं आपको कान्हा जी की टोपी बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिंक और वाइट कलर चूज किया है। सबसे पहले आप एक क्रोशिया लेंगे और चार चेन बना लेंगे इस तरह से। एक, दो, तीन, चार। चार चेन बनाने के बाद हम जो पहली चेन है उसमें से एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। लास्ट वाली चेन में से हमने एक सिंगल क्रोशिया निकाल लिया है। अब हम तीन चेन और बनाएंगे। एक, दो, तीन। हमने तीन चेन बना लिए। इसके बाद हम ये जो होल है, ये जो बड़ा वाला होल है, इसमें से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। और ये डबल क्रोशिया 15 डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये डबल क्रोशिया हो गया। ये 15, हमने 15 डबल क्रोशिया इस होल में से निकाल लिए हैं। अब जो हमने सबसे पहले ये तीन चेन बनाई थी, इसमें से ये जो तीसरी चेन है इसमें से हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया निकाल लिए। अब हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे आगे। ये देखिए, हम सिंगल क्रोशिया निकाल रहे हैं। जितने भी डबल क्रोशिया थे उनमें से हम अब सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। ये हम एक राउंड पूरा कर लेंगे। इस तरह से कम 5 राउंड करेंगे। ये हमने एक राउंड पूरा कर लिया है। अब हम दूसरा राउंड करेंगे। ये हमने 5 राउंड पूरे कर लिए हैं। जो सिंगल क्रोशिया था उसके हमने 5 राउंड कर लिए हैं। तो ये इस तरह से बन चुकी है। अब हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन। तीन चेन बनाने के बाद में हमने जहाँ से ये सिंगल चेन निकाली सिंगल क्रोशिया निकाला था, वहाँ पे हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक, इसी में से दोबारा निकालेंगे। ये दो डबल क्रोशिया हमने दो बार इसमें से निकाला है। अब जो आगे वाली नेक्स्ट चेन है, जो आगे वाली चेन है, उसमें हम तीन बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक, दो, तीन। अब इसके आगे वाली चेन में हम दो बार क्रोशिया निकालेंगे। इसी तरह से पहले दो, बाद में तीन, फिर दो, फिर तीन, फिर दो, फिर तीन। इसी तरह से ये सारा राउंड हम कर लेंगे। ये देखिए, हमारा राउंड अब पूरा हो चुका है। अब हमने जो शुरू में तीन चेन निकाली थी उसमें हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। ये जो लास्ट वाली चेन है इसमें से हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बन चुकी है। अब हम इस पे और डिजाइन बनाने के लिए हम वाइट जो ऊन है वो लगाएंगे। अभी हम इसको यहाँ कट कर देंगे।
इसको हम थोड़ा अंदर की साइड निकाल लेंगे ताकि ये बाहर बुरी ना लगे। अब हम यहीं से वाइट जो ऊन है वो लगाएंगे। हम अब वाइट जो ऊन है उसको हम इसी के साथ जोड़ देंगे। अब हम यहीं से सिंगल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। जितनी भी ये जो चेन है इनमें से हम एक एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे और ये डिजाइन बना देंगे। देखिए हमने हमारी ये चेन पूरी कर ली है। हमने ये सिंगल क्रोशिया निकाल लिया है, पूरा राउंड बना लिया है इसका। अब देखिए टोपी कितनी सुंदर लग रही है। अब हम इसको इस धागे को यहीं पे कट कर देंगे। हमारी टोपी बनकर तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। इसके लिए हम फिर से एक चेन बनाएंगे। एक इस तरह से हम 20 चेन बना लेंगे। हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से बांध देंगे। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारी टोपी बनके तैयार है। कान्हा जी के लिए हमने बहुत ही खूबसूरत टोपी बनाई है। अब हम आप चाहे तो आप यहाँ पे एक पर्ल भी लगा सकते हैं, इससे ये और भी सुंदर बन जाएगी।